हेलो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन एंड टाइम, यानी गति और समय। क्लास सिक्स में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पीरियोडिक, सर्कुलर, इस तरह से पढ़ा हुआ था। उसी का यहाँ एप्लीकेशन है थोड़ा सा। ये टेबल को पहले फिलअप करना है। सोल्जर्स स्ट्रेट पाथ में ही मार्च पास्ट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन होगा। कोई भी ब्लॉक कार्ट, यानी अगर चल रहा है स्ट्रेट रोड पर तो सिंपल सी बात है, ये भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। किसी एथलीट के हैंड भी सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं देखा जाए तो, और पेडलिंग जो होती है बाइसिकल की, वो भी आपकी पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन होती है। ये सभी सर्कुलर मोशन होते हैं। लेकिन अगर जैसे बात करें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, कैसे वो अपने पोजीशन को बार बार एक ही पोजीशन को रिपीट करता रहता है सन के अराउंड रोटेट करते हुए। इसी तरह से किसी स्विंग का मोशन देखते हैं, कैसे एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी तरफ, मतलब एक साइड ऊपर गया तो दूसरी साइड फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन बीच में ऐसे रुक करके भी थोड़ा सा जाता है, मतलब ऊपर नीचे। और एक होती मेन पोजीशन, जैसे एक पेंडुलम होता है, देखे होंगे, पूरे पूरा ऊपर अगर करके छोड़ते हैं तो कैसे नीचे तक जाता है वो, फिर धीरे धीरे एयर का फ्रिक्शन लगने लगता है और फिर मेन पोजीशन पर आ जाता है, यानी बीच में एकदम आकर के रुक जाता है। तो ये तीनों लास्ट के क्या हो जाएंगे, पीरियडिक मोशन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं तो कुछ फास्ट मूव करते हैं, आपने भी देखा हो। और हो सकता है कि कुछ व्हीकल्स, हाँ वही चीज़ है, मतलब और उससे ज़्यादा फास्ट चलते हैं। समटाइम्स वही व्हीकल्स बहुत धीरे भी चलते हैं, बिकॉज मे भी हो सकता है कि थोड़ा रोड बिजी हो उस समय, तो वो भी स्लो चलेंगे अपने अपने समय पर। फास्ट और स्लो उनका भी काम होता है चलना, जैसे कंडीशन होगी उसी हिसाब चलेंगे। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट है स्लो एंड फास्ट, कर सकते हैं बहुत अच्छे से आप। स्लो कौन चलेगा, कौन फास्ट चलेगा, हाउ डिड यू डिसाइड। तो देखा जाए, अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, कैसे करेंगे, एक गिवन डिस्टेंस के लिए, एक दी हुई दूरी के लिए, जो जितना कम समय लेगा उस दूरी को कवर करने में, यही डिसाइड करेगा कि वो फास्ट चल रहा है। अगर मैं 5 मीटर की दूरी को 5 सेकेंड में कवर कर रहा हूँ और मेरा कोई मान लीजिए कोई और मेरे साथ कर रहा है, वो 3 सेकेंड में कर रहा है, तो वो विनर हो जाएगा और मैं लूज़र हो जाऊँगा। तो यानी वो फास्ट चलेगा और मैं स्लो चलूँगा, सिंपल सी बात है। वी कैन ईजिली टेल विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर दैन अदर, एंड स्ट्रेट लाइन और मतलब सेम डायरेक्शन जब मोशन करते हैं तो हम ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। और वही ये क्वेश्चन दे रहा है कि एक्टिविटी में भी फोटो में दो कंडीशन दी जा रही है, एक इनिशियल था सभी की पोजिशन इनिशियली कहाँ कहाँ है, और उसके बाद जब आगे बढ़ी हुई है गाड़ी थोड़ा सा अपने पोजिशन से, उस टाइम का भी पोजीशन दिया हुआ है, उस टाइम का फ़ोटो। तो ये आप कंपेरिजन कराइए और देखिए कौन फास्ट स्लो मूव कर रहा है। बाकी यहाँ तो लॉजिक से ही चलना होगा, सिंपल सी बात है। तो जस्ट केवल एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो डिस्टेंस मूव बाई ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वही चीज़ है। यानी डिस्टेंस मूव्ड यानी तय की हुई दूरी, वो भी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, एक दिए हुए समय में तय की हुई दूरी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हेल्प करती है हमें डिसाइड करने में कौन फास्ट चलेगा और कौन स्लो चल रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे इमेजिन डेट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, सपोज मतलब आप पैडलिंग स्टार्ट करें साइकिल का, एट सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव, आपके साथ बस, मान लीजिए बस खड़ी है बिसाइड आपके, और आप भी पैडलिंग स्टार्ट करें और बस भी स्टार्ट हो जाए चलना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। यानी बस हो सकता है 1 किलोमीटर चल जाए, तो आप अभी 100 मीटर चल पाए हो, तो ये डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि बस फास्ट मूव कर रही है देन बाइसिकल, बिल्कुल कर रही है,
यही तो हमने कहा कि मतलब एक ऐसा भी हो सकता है गिवेन इंटरवल टाइम में ही बहुत ज़्यादा दूरी कोई तय कर ले और कोई बहुत कम दूरी तय करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत कम समय लेकर के ही, और वही बात हुई, मतलब यहाँ तो गिवेन एक टाइम था 5 मिनट का, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि 5 मिनट में कौन ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वही फास्ट चल रहा होगा और जो नहीं कर रहा है वो स्लो चल रहा है। और जो मैंने जनरल लॉजिक लेकर समझाया वहाँ कोई टाइम वाइम गिवन नहीं था, वो जस्ट एक मतलब आप मान लीजिए कॉम्पीट करें और स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग चले कि इतनी डिस्टेंस को कौन कितने समय में कवर कर पाएगा, तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, बट यहाँ आप इसको समझिए जो बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में शायद इट इज कह रहा है बी ऑफन से डेट फास्टर व्हीकल है या हायर स्पीड। सही बात है, कोई 100 मीटर रेस होती है तो कैसे डिसाइड करते हैं हुज स्पीड इज द हाईएस्ट, जो कि ये देखिए मतलब वही सेम चीज़, क्या बात है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये दे रहा है कि मतलब 100 मीटर की डिस्टेंस को जो सबसे कम समय में कवर करता है वही सबसे फास्ट स्पीड से